पति ने चीनी सैनिकों के उड़ाए थे होश, अब पत्नी दुश्मनों के दांत करेगी खट्टे। गलवान में शहीद हुए थे पति, अब पत्नी पूरा करेगी इंतकाम। पत्नी को सेना में ऑफिसर बनाने का देखा था सपना, नहीं कर पाए पूरा। पत्नी ने शहीद पति का सपना किया साकार, अब देश की सीमा पर डट कर बढ़ाएंगी शान। हम बात कर रहे हैं रेखा सिंह की, जिनके पति लांस नायक शहीद दीपक सिंह गलवान में चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए, और उनके जाने के बाद अब वीर चक्र से सम्मानित शहीद दीपक सिंह की पत्नी रेखा सिंह ने दुश्मनों के खिलाफ उठा लिए हैं हथियार। जी हां, शहीद दीपक सिंह की पत्नी का भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद पर चयन हो गया है। ये सपना रेखा के पति ने उनके लिए देखा था। 15 जून 2020 को रेखा को छोड़कर अपने प्राण देश के नाम न्योछावर कर देने वाले शहीद दीपक सिंह को उनकी पत्नी ने सच्ची श्रद्धांजलि दी है। अपने पति का सपना साकार किया है। अब रेखा 28 मई को चेन्नई में अपना प्रशिक्षण शुरू करेंगी। रेखा सिंह पहले एक शिक्षिका थी। शहीद की पत्नी और अब लेफ्टिनेंट रेखा ने बताया, मेरे पति की शहादत का गम और देशभक्ति की भावना की वजह से मैंने एक टीचर की नौकरी छोड़कर सेना में अधिकारी बनने का मन बनाया। ये मेरे पति का सपना था जिसने मुझे भारतीय सेना में जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। रेखा की शादी बिहार रेजिमेंट की 16वीं बटालियन के नायक दीपक सिंह से हुई थी। रेखा और दीपक की शादी को महज 15 महीने ही हुए थे कि गलवान में चीनी सैनिकों का सामना करते हुए दीपक ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन रेखा ने इतने महीने में ही अपने पति के देश प्रेम को परख लिया था, समझ लिया था कि उनके पति के लिए भारत माता कितनी अहमियत रखती है। ऐसे में जब दीपक चले गए तो फिर रेखा ने इसी दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए अपना मुकाम हासिल किया। हालांकि शिक्षक की नौकरी छोड़कर सेना में अफसर बन जाना, वो भी बिना पति के, रेखा के लिए इतना भी आसान नहीं था। पहले प्रयास में असफल होने पर रेखा ने हार नहीं मानी और फिर इसके लिए अपने पति के सपने को साकार करने के लिए, जो कि अब रेखा का भी सपना बन चुका था, उसे साकार करने के लिए जी जान से जुट गई। आखिरकार रेखा की मेहनत रंग लाई और वो सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित हो गई। रेखा ने बताया, पति के शहीद होने की खबर सुनकर मैं टूट गई थी, लेकिन पति की शहादत के गम और देशभक्ति की भावना ने मुझे सेना में जाने की प्रेरणा दी। इसके बाद मैंने टीचर की नौकरी छोड़ सेना में अफसर बनने का फैसला लिया। सेना में अफसर बनने के लिए पहले नोएडा जाकर परीक्षा की तैयारी शुरू की। परीक्षा की तैयारी ही अपने आप में बहुत कठिन थी, फिर फिजिकल ट्रेनिंग, जिसके बाद भी जब रेखा पहले प्रयास में सफल नहीं हुई तो जैसा कि उन्होंने बताया कि फिर भी लगी रही और आखिरकार दूसरे प्रयास में सफलता ने उनके कदम चूम ही लिए। आपको बता दें, मात्र 30 साल की उम्र में दीपक सिंह ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। वो बिहार रेजिमेंट में लांस नायक के पद पर तैनात थे। 15 जून 2020 को लद्दाख की गलवान घाटी में हुए संघर्ष में जो 20 जवान शहीद हुए थे, उनमें से ही एक थे दीपक सिंह। इस संघर्ष में भारतीय सैनिकों ने चीनी सेनाओं का जमकर मुकाबला किया था। भारतीय सैनिकों के संघर्ष को देखकर चीनी सैनिक उल्टे पांव भागने के लिए मजबूर हो गए थे। इस झड़प में कई चीनी सैनिकों को सेना के जवानों ने मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि चीन ने अपने सैनिकों की मौत को स्वीकारने में कई दिन लगा दिए थे। वैसे मान गए शहीद लांस नायक दीपक सिंह की पत्नी रेखा सिंह को, जिन्होंने अपने पति के सपने को साकार करके ही दम लिया। रेखा को सेना में ऑफिसर बनाने का दीपक का सपना रेखा ने खुद ही साकार किया। वाकई रेखा, हम सबको आप पर नाज है, देश आपसे प्रेरणा ले रहा है और आपको देखकर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट।